आज दिनांक 13 नवंबर को गुरुकुल प्रांगण में धर्म रतन परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की चरणारश पाकर कृतज्ञ हो गए एवं दी गुरुकुल इंग्लिश स्कूल दामोदर नगर खाड़ेपुर के सभी सदस्य उनके आशीर्वचन की अमूल्य निधि से धन्य हो गए। इस अवसर पर महाराज का सहृदय अभिनंदन किया गया एवं विद्यालय के संस्थापक श्री श्री कृष्णा मिश्रा, प्रबंधक श्री प्रेम कुमार मिश्रा, श्री राजकुमार मिश्रा, श्री अरुण कुमार मिश्रा, श्री अनिल कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य श्रीमती डॉक्टर योगवाला दुबे एवं डॉक्टर देवेंद्र पांडे, राघव सेना एवं गुरुकुल स्कूल के सभी सदस्यों ने उनके मुखारविंदों से शुभाशीष प्राप्त किया। इंडियन प्राइम न्यूज से हिमांशु श्रीवास्तव के साथ विनय कुमार की रिपोर्ट। वचनों में हमें देना चाहे हमारी झोली भर दे, हमारे जीवन को सफल कर दे। महाराष्ट्र का पूरा समय हम उन्हें देना चाहते हैं कि वो हमारी एक एक सदस्य को धन्य करें। कृपया आप सभी यथास्थान ले, मैं अनुरोध करती हूँ पुनः अपने एक एक अभिभावक गण से, कृपया आप सभी यथास्थान ले ताकि महाराष्ट्र हम सभी को आशीर्वाद देना प्रारंभ करें। उनके पास समय बहुत कम है, कृपया आप सभी सहयोग करें। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित होने दें। मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करती हूँ कृपया आप सभी हमारे विद्यार्थियों के सिटिंग बैठने की व्यवस्था के पीछे जो कुर्सियाँ पड़ी है वहाँ स्थान लें, कृपया सहयोग दें। समस्त क्षेत्रवासी आप सभी धन्य है कि महाराज जी आप सभी के समक्ष है। आप सभी से मेरा पुनः विनम्र अनुरोध है, उनका कम से कम समय लें, महाराष्ट्र के आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित होने दें। मैं हार्दिक निवेदन करती हूँ, मैं मंच पर उपस्थित प्रत्येक सदस्य यही निवेदन करती हूँ महाराष्ट्र के आशीर्वचनों से मैं मंच पर उपस्थित प्रत्येक सदस्य से निवेदन करती हूँ मैं हार्दिक निवेदन करती हूँ कृपया महाराष्ट्र को अब आशीर्वचन देने के लिए समय दे। भगवान का भजन कर ले और मुझे भी भगवान का भजन करने दे। राजा उठ, राम राम। फ्रेंड ही मत बनाइए, अगर बनाए भी तो ऐसा फ्रेंड बनाए जो पढ़ाकू हो, जो चरित्रवान हो, जो गंदा ना हो, जो गंदे विचार ना हो, गंदा बोलता ना हो, ऐसे लोगों को आप अपना फ्रेंड बनाइए। आजकल लोग बहुत कहते हैं बाबा लोग ऐसे हो गए, बाबा लोग ऐसे हो गए। अरे ये बाबा लोग ही हैं जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित है, अदरवाइज कौन था बेच दिया होगा इस देश को। यहाँ सब पैसे कमाने की ओर में लगे हुए हैं, लेकिन यही लोग हैं जो आज भी हमारे इन फ्यूचरों की चिंता करते हैं। मुझे भी यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब भी मैं कहीं भी किसी शहर में जाता, ये वहां का कल्चर हो लेकिन मेरे देश का ये कल्चर नहीं है। मेरे देश का कल्चर डिफरेंट है। मेरे देश के कल्चर में कहते हैं जहां हर बाला है देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है, जहां गांव गांव में राम बसते हैं, बाल गोपालों में भगवान बसते हैं, कन्याओं में देवियां बसती हैं। उन बच्चों को उन बच्चियों को हम लोग स्कूलों में डांस करने के लिए नहीं छोड़ सकते। अच्छा मेरे ये साइड के थोड़े बड़े बच्चे जो हैं बताएंगे मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। जोर से बोलिए, हम लोग स्कूल डांस करने जाते हैं, एक्टिविटी के नाम पे कराते हैं, सब एक्टिविटी करा रहे हैं और पैसे भी हमसे लेते हैं, ड्रेस भी हमसे ही मंगवाते हैं, श्रृंगार का सामान भी हमसे ही मंगवाते हैं और बच्चे भी हमारे ही बिगड़वाते हैं। बिगेस्ट प्रॉफिट, कोई भी उनका खर्चा नहीं। मैं सभी भारत के स्कूलों से, कॉलेजों से, कॉन्वेंट स्कूलों से एक ही निवेदन करूंगा कि जिससे हमारे बच्चों के चरित्र का निर्माण हो सके ऐसी एक्टिविटी स्कूल में होनी चाहिए, कॉलेजों में होनी चाहिए। जिससे बच्चों का चरित्र बर्बाद हो वो बंद होनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। मैं इस बात से करो गाने गाने कहीं अलग जाते जाके गागो, कौन मना कर रहा है? कोई मना थोड़ी करेगा। आपकी अपनी पसंद है, आप जो चाहे करें, लेकिन स्कूल में एक करेगा तो 100 सीखेंगे और 100 बच्चों को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, न माँ बाप को है
न स्कूल वालों को है, न मैनेजमेंट को है, किसी को नहीं है। जो संतान इस भारत की है और भारत की संतान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी ड्यूटी है। राधे राधे।